हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि सर फ्रॉम महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस का मिसेलेनियस पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, बहुत बच्चों ने डिमांड किया था कि सर मिसेलेनियस वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो मैं पूरा का पूरा मिसेलेनियस वाला पार्ट सॉल्व करूँगा। मैं यहाँ से मेरे मोबाइल से सारे क्वेश्चन पढ़ डाला हूँ। ओके, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से दिखेंगे और हम लोग उसके आंसर सॉल्व करेंगे। ओके, सो एवरीवन इज रेडी। ओके, चलो विल स्टार्ट विद द मिसेलेनियस पार्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। यस, ओके, सो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय चूजिंग द करेक्ट ऑल्टरनेट्स। ऑप्शन से सही क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहां पे दिख रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर वन, इन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डैश ए इंक्रीजेस, बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सी डिक्रीजेस, डी राइजेस एंड देन फॉल्स। क्या आंसर आएगा? बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या अज्यूम किया है? वेदर इट इज रिच और पुअर, सबके लिए पैसे का वैल्यू क्या रहेगा? कॉन्स्टेंट। तो आंसर इज बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, थोड़ा थोड़ा क्विक रिकैप भी देता रहूंगा मैं। सेकेंड, यहां पे आपको दिख रहा होगा। ओके, एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज अज्यूम टू बी डैश ए ऑर्डिनल, बी कार्डिनल, सी बोथ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल, डी नन ऑफ द अबव। वी नो द आंसर इज बी कार्डिनल। मार्शल ने क्या अज्यूम किया है लॉ को कैलकुलेट करने के लिए? कैसे कैलकुलेट करेगा? इन नंबर्स। तो कार्डिनल इज नथिंग बट इन नंबर्स, आंसर है कार्डिनल। थर्ड, mu ऑफ द कॉमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन tu ऑफ अ कॉमोडिटी इज डैश राइजिंग, कॉन्स्टेंट, फॉलिंग, डी जीरो। आंसर इज यस सी फॉलिंग, सी फॉलिंग। Fourth is point of satiety means A, TU is rising, MU is falling, B, TU is falling, MU is negative, C, TU is maximum, MU is zero, D, MU is falling, TU is rising. Maximum satisfaction कब रहेगा? Question is answer is C, when TU is maximum, MU is zero, when TU is maximum, MU is जीरो। थर्ड भी हो, फोर्थ वाला भी हो गया, सॉरी। फिफ्थ, व्हेन MU दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी इज फॉलिंग, TU इज डैश A राइजिंग, B फॉलिंग, C नॉट चेंजिंग, D मैक्सिमम। आंसर इज A राइजिंग, A राइजिंग। ओके, तो ये आपके फिलिप्स हो गए। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे आपको पूरा का पूरा मैच द फॉलोइंग दिख रहा है। ओके, टाइम यूटिलिटी के सामने ट्रांसपोर्ट दिया हुआ है, प्लेस यूटिलिटी के सामने ब्लड बैंक दिया हुआ है, सर्विस के सामने मोबाइल और नॉलेज के सामने डॉक्टर। अब हम लोग करेक्ट आंसर्स ढूंढते हैं। पहला है टाइम यूटिलिटी, उसका ऑप्शन क्या है टाइम यूटिलिटी का? ऑप्शन बी ब्लड बैंक। सेकेंड है प्लेस यूटिलिटी का, उसका करेक्ट आंसर क्या है? ए ट्रांसपोर्ट, सी सर्विस यूटिलिटी, सर्विस का आंसर क्या है? डी डॉक्टर। फोर्थ क्या है? नॉलेज यूटिलिटी, हम लोगों ने एग्जांपल्स में भी देखे थे मोबाइल। ओके, तो वहां पे आंसर क्या हो गया? सी मोबाइल। तो ये इसके करेक्ट फॉर्म है। आपको वहां पे देखो ऑप्शन नंबर टू दिख रहा होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, उसमें ही क्वेश्चन नंबर टू में एक सेकेंड क्वेश्चन दिया है, स्टेटमेंट्स इंडिकेटिंग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ सी व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, दोनों चीज इक्वल, इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। तो उसमें क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, एमयू इज ग्रेटर देन प्राइस, एमयू इज इक्वल देन प्राइस, एमयू इज लेस देन प्राइस एंड प्राइस इज लेस देन वन। आंसर है एमयू इज इक्वल टू प्राइस। कंज्यूमर कब बाय करेगा? एमयू इज इक्वल टू
प्राइस. इज दिस क्लियर? तो हम लोग ने ये दो क्वेश्चंस कर लिए. थर्ड वाला क्वेश्चन ये काफी इंटरेस्टिंग है. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम गिवन इलस्ट्रेशन. ये सारे क्वेश्चंस आपको दिए, आपको इसका कॉन्सेप्ट्स फाइंड आउट करना है, आपको इसके कॉन्सेप्ट्स फाइंड आउट करना है और शॉर्ट में उसको एक्सप्लेन करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर वन क्या है? सलमा परचेज स्वेटर फॉर अ फादर इन विंटर सीजन. सलमा परचेज स्वेटर फॉर अ फादर इन विंटर सीजन. मुझे बताओ इसमें कौन सा कंसेप्ट आएगा? रिलेटिव कंसेप्ट. मैंने यहां पे सारे आंसर्स लिखे, इसमें कौन सा कंसेप्ट आएगा? रिलेटिव कंसेप्ट. बिकॉज यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. तो यहाँ पे सलमा अपने फादर के लिए स्वेटर ले रही है, तो बट ऑब्वियस है वहां पे विंटर सीजन है इसलिए वो स्वेटर ले रही है. तो मैं बोल सकता हूँ ये एक रिलेटिव कंसेप्ट है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स आर डिमांडेड या वुलन क्लोथ्स हैव यूटिलिटी इन विंटर सीजन, हेंस सलमा हैज यूटिलिटी ऑफ स्वेटर फॉर फादर इन विंटर सीजन. ओके, सेकेंड, नीलेश परचेज ऑर्नामेंट्स फॉर हिज सिस्टर. नीलेश ने ऑर्नामेंट्स परचेज किए अपनी सिस्टर के लिए, मतलब सिस्टर का अपने टेस्ट है कि उसको ऑर्नामेंट्स पसंद है, इसलिए नीलेश ने उसको ऑर्नामेंट्स दिलाए. मतलब ये एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट हो गया. यूटिलिटी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अकॉर्डिंग टेस्ट प्रिफरेंस हैबिट. तो मैं बोल सकता हूँ सेकेंड का आंसर सब्जेक्टिव कंसेप्ट आएगा. यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन टेस्ट प्रिफरेंस नेचर एंड हैबिट. इज दिस क्लियर? तो सिस्टर का टेस्ट अलग था इसलिए उसको ऑर्नामेंट्स दिलाए नीलेश ने. आई होप सारे कंसेप्ट्स क्लियर है. तो ये कंसेप्ट्स आपको लिखना है और नीचे आपको उसका रीजन लिखना है और लास्ट में कंक्लूड करना है. हेंस नीलेश हैज गिवन ऑर्नामेंट्स टू अ सिस्टर. थर्ड, कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर द अदर. कविता कंज्यूम ऑरेंज वन आफ्टर द अदर. जब भी मैंने एग्जाम में करे पढ़ाते समय भी आपको बताया, वन आफ्टर द अदर मतलब क्या? कंटिन्यूटी में उसने ऑरेंज कंज्यूम किया विदाउट लैप्स ऑफ टाइम. तो ये कंसेप्ट कौन सा हो जाएगा? कंटिन्यूटी. उसके साथ साथ टोटल यूटिलिटी, बिकॉज इनको हम सम कर रहे. बराबर है? फिर से देखो, कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर द अदर. मैंने बताया वन आफ्टर द अदर मतलब ये कंटिन्यूटी है. तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गया और सम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा. तो टी यू एंड कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे आप टी यू का डेफिनेशन लिख सकते हो और कंटिन्यूटी ऑल यूनिट्स आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन विदाउट लैप्स ऑफ टाइम. ओके, फोर्थ इज, भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाटी आफ्टर ईटिंग 4 चपाटीज. भूषण रिफ्यूज टू ईट 5th चपाटी आफ्टर ईटिंग 4th चपाटी. मतलब 4 चपाटी में उसका पेट भर गया. मतलब ये कौन सा कंसेप्ट है? पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. सी हियर, पॉइंट ऑफ सेटाइटी, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सेटाइटी अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप कंजम्पशन सिंस पॉइंट ऑफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फेक्शन इज रीच. 4th चपाटी में उसका पेट भर गया. अगर अब वो 5th चपाटी कंज्यूम करेगा तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी. ओके, फिफ्थ इज, ललिता सेटिस्फाइड हर वॉन्ट्स ऑफ राइटिंग एन एसे बाय यूजिंग पेन एंड नोटबुक. मतलब ललिता को ऐसे लिखना था तो उसके लिए उसको क्या यूज में आया? पेन एंड नोटबुक. मतलब ये तो बेसिकली यूटिलिटी का कंसेप्ट है. द पावर ऑफ अ कॉमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज नथिंग बट यूटिलिटी. तो यहाँ पे पेन और नोटबुक क्या दे रहे ललिता को? यूटिलिटी. तो ये पांचों पांच कंसेप्ट्स और उसके हम लोग ने इलस्ट्रेशंस दे दिए एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ. यस एवरीवन, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते. ओके,
अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे जाते हैं। ऑब्जर्व द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे यूनिट्स दिया हुआ है, टी यू दिया हुआ है, एम यू दिया हुआ है, ओके इन नंबर्स। क्या पूछा है? ड्रॉ टी यू एंड एम यू कर्व। हम लोग ने क्लास में भी टी यू और एम यू कर्व बनाया था। टी यू कर्व विल स्लोप अपवर्ड्स, एम यू कर्व विल स्लोप डाउनवर्ड्स, ओके। यहाँ पे आपके यूनिट फोर में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा तो आप वो कर्व बना सकते हो। हम लोग ने क्लास में पहले से ये किया हुआ, ओके। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, When TU is maximum, MU is zero. MU is zero. When TU is maximum, MU क्या है? Zero है. उसके बाद When TU falls, When TU falls, MU becomes negative. When TU falls, MU क्या हो जाता है? Negative. Yes or no? तो ये सारा आपको समझ में आ गया? Yes everyone. तो ये हम लोग का मिसेलेनियस था। उसमें क्वेश्चन नंबर 50 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डीएमयू विद एक्सेप्शंस। हम लोग को पूरा लॉ बनाना है। लॉ चार पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैंने बताया, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, स्केड्यूल एंड डायग्राम, और फोर्थ कौन सा? अजम्पशंस। तो यहां पे अजम्पशंस पूछे नहीं है तो उसके बाद एक्सेप्शंस लिख सकते हो, ओके एवरीवन। तो दिस इज इट। आप पूरा का पूरा नोट डाउन, ये आप पूरा का पूरा नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। चलो, थैंक यू एवरीवन।